नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। पंचकुला में हुए ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को पुलिस ने सुलझाया, दो आरोपियों को किया गिरफ्तार। होशियारपुर पुलिस ने नशे को खत्म करने के लिए भगत नगर के एक घर में की छापामारी। चंडीगढ़ के सेक्टर 29 में एक युवक पर दूसरे युवक ने तेज धार हथियार से किया हमला, पुलिस जांच में जुटी। और अब हलचल विस्तार से। पंचकुला में हुए ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी को पंचकुला पुलिस और क्राइम ब्रांच 26 की टीम ने मिलकर सुलझाने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पंचकुला के सेक्टर 20 पुलिस स्टेशन के एसएचओ अरुण बिश्नोई और क्राइम ब्रांच 26 के इंचार्ज ने बताया कि इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान प्रदीप और अविनाश के तौर पर हुई है। अविनाश पर पहले भी धारा 307 का मामला दर्ज है और प्रदीप के ऊपर पहले ही चोरी के काफी मामले दर्ज हैं। दोनों आरोपियों को सेक्टर 20 से गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपियों को अदालत में भेजकर 5 दिन का रिमांड हासिल किया गया है। रिमांड के दौरान इनसे वारदात में इस्तेमाल की गई एक्टिवा और चाकू बरामद किया जाएगा। ये 24/1/2023 को जो पासरामनाथ सोसाइटी है सेक्टर 20 में, जस्ट उससे पहले एक पार्किंग है, पार्किंग में एक मूंगफली वाला जो है ना, उसने वहां पर अपना खोमचा लगाया हुआ था, जोहरी नाम का, जो 50 साल की जिसकी उम्र थी, जिसका दो ये कि ब्लाइंड मर्डर था। दो लड़के एक स्कूटी पे आए, उन्होंने उसका चाकू मार दिया था और उसमें कोई, उसके बाद जो है ना एक इसमें इसकी पहचान की गई है और इसको जो है ना बड़ी गहनता से क्राइम 26 की टीम और थाना सेक्टर 20 की टीम काफ़ी टाइम से लगे हुई थी, तो DCP साहब के निर्देश से जो है ना इसको जो है काबू किया गया इन दोनों को और इनको अरेस्ट करके जो है 5 दिन का रिमांड लिया गया। एक प्रदीप उर्फ लंबू है और दूसरा अविनाश, इन दोनों का क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है पहले 307 के मुकदमे, चोरी के मुकदमे रहे हैं। दूसरा यह है कि ये नशेड़ी किस्म के व्यक्ति हैं, इन्होंने जो है यहाँ पर इस मूँगफली वाले पर इन्होंने अपना इस बात को माना है कि हम मूँगफली वाले के पास आए थे और हमने इसे यहाँ पर इसके साथ छीना झपटी कोशिश की, जिसमें जो है ना मूँगफली वाले ने विरोध किया और हमारा गला पकड़ लिया, जिस पर जो है अविनाश ने इसमें अपना जो है ना चाकू निकाल के उसके छाती में चाकू मार। जिला होशियारपुर पुलिस को उस समय बड़ी सफलता मिली जब उन्होंने एक घर से 510 ग्राम नशीला पदार्थ और लगभग 8,10,000 की ड्रग मनी बरामद की। इस बारे में जानकारी देते हुए SSP सरताज सिंह चाहल ने जानकारी देते हुए बताया कि पंजाब में आए दिन नशे का कारोबार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते पुलिस सतर्क होकर इस विषय पर काम कर रही है और नशाखोरों पर लगाम कस रही है, जिसके चलते होशियारपुर के अलग अलग जगह पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर होशियारपुर के भगत नगर में छापेमारी की तो पुलिस को वहाँ से 510 ग्राम नशीला पदार्थ व 8,10,000 के करीब ड्रग मनी बरामद हुई। पुलिस ने मौके से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्यवाही शुरू कर आरोपियों को जल्द अदालत में पेश करेगी। होशियारपुर से हलचल के लिए अंकुश गोयल की रिपोर्ट। 6 फरवरी नू 3 मुंडिया ने एक स्नैचिंग दी वारदात नू अंजाम दिता। ए जदों CID दी टीम ने इन्हां नू अरेस्ट किया, इन्हां विचों दो अरेस्ट होए, एक पहला भज चुकिया सीगा। वो दो बंदे, एक हैगा गुरविंदर उर्फ गोविंदा ते दूसरा है बिंदर, ये दोनों हिरासत लै लिए गए। इन्हों के खिलाफ मुकदमा 45, 46 ते 47 थाना मॉडल टाउन के दर्ज रजिस्टर होए है। इन्हों तो एक रिकवर होया है 32 बोर का पिस्तौल, प्लस इन्हों तो सानू इंटॉक्सीकेंट टैबलेट्स भी रिकवर हुई ने, ते इन्हों के खिलाफ NDPS एक्ट के FIR 379B स्नैचिंग FIR ते इन्हां दे खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत FIR भी दर्ज की गई ने। जो गुरविंदर उर्फ गोविंदा हैगा, ये टांडे का रहने वाला, तो इस उत्ते पहला 9 FIR ने, पिछली FIR 2021 दे, इस दे जो FIRs है वो 2012 तो लेकर 2021 तक की जी 9 FIRs मैं थोड़ा दसिया ने। इन्हों हूँ असी रिमांड से लै लिया है, तो इन्हें हूँ असी होर पुछगिछ करके अगे तो अगे तह तक जावे कि होर किस किस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ने, ताकि इस चीज़ से ठल पाई जा सके। नहीं जी, असला ये लाइसेंसी नहीं सीगा,
दूसरा दूसरा जिहड़ा तुसीं दस रहे हो कि जिहड़ा मोटरसाइकिल वगैरह हैगा वह भी असीं रिकवर किया हैगा ते असीं इस दे विच होर भी अगे कार्रवाई करांगे। चंडीगढ़ के सेक्टर 29 में उस समय दहशत का माहौल बन गया जब एक 20 वर्षीय युवक पर एक युवक ने तेज धार हथियारों से हमला कर दिया, जिसके बाद युवक फरार हो गए। इस दौरान आसपास मौजूद लोगों ने घायल युवक को सेक्टर 32 स्थित अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती करवाया और इसकी जानकारी पुलिस को दी। सेक्टर 29 के रहने वाले शिकायतकर्ता गुरदीप सिंह ने बताया कि एक युवक उससे गाली गलौज कर रहा था। जब उसने उसे ऐसा करने से रोका तो उसने पीछे से आकर तेज धार हथियार से उसकी छाती पर वार कर दिया और मौके से फरार हो गए। तो वही घटना की सूचना मिलते ही चंडीगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच में जुट गई, जो कि आरोपी की तलाश में छापेमारी कर रही है। पठानकोट जिले के विधानसभा हलका भोआ में मोटर चोर गिरोह की गतिविधियों के कारण स्थानीय किसानों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। विधानसभा हलका भोआ सीमावर्ती क्षेत्र है और यहां के अधिकतर लोग किसानी से संबंधित है, पर चोरों की गतिविधियां और पुलिस की नालायकी के चलते भोआ क्षेत्र के करीब 6 गाँवों में चोर 40 के करीब पानी की मोटर चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं, जिस कारण किसानों के माथे पर परेशानी की लकीरें साफ देखने को मिल रही हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए इलाका निवासियों ने बताया कि चोरों द्वारा उनके गांव के 7 किसानों के खेतों से एक ही रात में 7 पानी की मोटरें चोरी कर ली गई हैं। अगर इसके साथ लगते गांव की बात की जाए तो पिछले 1 सप्ताह के दौरान किसानों के खेतों से 40 के करीब पानी की मोटरें चोरी हो चुकी हैं और प्रत्येक मोटर की कीमत 25 से 30 हज़ार रुपये के करीब बनती है। उन्होंने बताया कि पुलिस प्रशासन की ओर से अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, इसलिए उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि चोरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उनकी मोटरें वापस दिलाई जाए। वहीं जब इस संबंध में पुलिस अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस मामले में उनकी ओर से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है और जल्द ही इस संबंध में बड़े खुलासे किए जाएंगे। पठानकोट से हलचल के लिए जतिन शर्मा की रिपोर्ट। हाँ जी, साढ़े पिंड 7 मोटर एक दिन ही एक रात न ही पूरी चोरी हो गई, जिड़िया के साढ़े नाल लगते पिंड पखो चक भी चोरी हुई है, साधीपुर है, हाँ जी माजरा है, हाँ जी ख्याला, ये घट्टो घट 35-40 के मोटर चोरी हो गई ने, जोड़ा कि पुलिस प्रशासन अजे तक कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा भी किड़ा बंदा लै गया किड़ा बंदा, हाँ जी, लेकिन सानू अजे तक किसी ने नहीं ये नहीं दसिया कि अं कोई बंदा फड़िया, चाहे किसी प्रशासन ने सू पुलिस ने यह दसिया भी अं कोई बंद अरैसट किया जिद को कुछ ना जी अजे तक कुछ। मेरा नाम कश्मीर सिंह है जी, तो मैं यो दसना चाहना कि एक रात के जड़िया साढ़े पिंड छलोवाल चो 7 मोटर चोरी हुई और अलग अलग पिंड 35-40 मोटर जो चोरी हो चुकी हैं। मैं प्रशासन तो यही मांग करदा कि जल्दी तो जल्दी जरा किसानों का हल किया जाए, क्योंकि हम अगे बरसना पानी लाना, सो यही बेनती है कि जल्दी तो जल्दी कोई हल किया जाए। मेरा नाम जितेंद्र सिंह है, मैं यही कहना चाहना भी जी मोटर चोरी है इन्हों का जल्दी तो जल्दी हल किया जाए कुछ तो कुछ का, क्योंकि 35-40 मोटर चोरी हुई है। थाने सदर का अपना वकूह है जिथे आप जिसके कंसर्न से आप बंद अरैसट किया, पुछगिछ चल रही है, उस तो भी आप काफ़ी हैवी रिकवरी मिलने का चांस है खासकर मोटर को लैके, तो इसलिए पुलिस जी बिल्कुल चढ़ के काम कर रही है, तो ये चोरियां एक तो बाद एक आप ट्रेस कर रहे हैं। जालंधर के मशहूर कॉमेडियन काके शाह पर लोगों से ठगी करने के बाद विदेश भाग जाने के आरोप लगे हैं, जिसके चलते पीड़ित लोगों ने कॉमेडियन के खिलाफ जालंधर पुलिस कमिश्नर ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि काके शाह ने उनसे विदेश भेजने के नाम पर लाखों रुपयों की ठगी की है, उसके खिलाफ पुलिस थाना डिवीजन नंबर 3 में केस भी रजिस्टर करवाया गया है, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया। इस संबंधी रस्ता मोहल्ला निवासी नवनीत आनंद ने बताया कि उसने मशहूर कॉमेडियन स्टार को विदेश यूके भेजने के लिए 6 लाख रुपए दिए थे। कई समय बीत जाने के बाद जब उन्होंने काके शाह को पूछा तो वह टाल मटोल करते नजर आए, ना तो उन्होंने उसे बाहर भेजा और ना ही उसके पैसे वापस किए, जिसके बाद उन्होंने थाना 3 की पुलिस को शिकायत दी।
पुलिस ने कॉमेडियन काके शाह पर धोखाधड़ी का पर्चा दर्ज कर लिया था, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं की गई और अब वह विदेश भाग गया है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। इस बावजूद भी अगला मतलब ना बाहर चला गया। आपां पुलिस नूं इही प्रशासन नूं मांग कीती सी कि इहनूं जल्दी जल्द फड़िया जावे। उन्होंने कोई थाने च थाना नंबर 3 दे विच सी कंप्लेंट। जदों इह परचा दर्ज होया काके शाह इत्थे सीगा जी उदों? हांजी हांजी इत्थे सी जी, उह घरे वी सी, घरे वी रहिंदा सी, ते पुलिस ने कोई छापामारी नहीं कीती। दैन मैं उन्होंने उहदी पासपोर्ट दी कापी वी भेजी काके शाह दी, जिस दिन परचा होया ना 28 नवंबर नूं, मैं उहदी कापी भेजी कि मतलब इहदा पासपोर्ट लोक कीता जावे। मैनूं डर आ कि इहने बाहर चल जाणा, पर पुलिस ने साडे कोई नहीं सुणी। आपां इही मंग करन आए इत्थे अज्ज कि मतलब उन्होंने है ना नाँ की LOC जारी की, उन्हें बाहरों आना है। और भरा का भी बिच भाजी ना से बबलू का, उन्हें अपनी राजनीतिक पहुँच करके ना अपने भरा का ना कढ़ाता। शिरोमणी अकाली दल को मजबूत करने के लिए सुखबीर बादल ने नॉर्थ क्षेत्र पर फोकस किया और इस दौरान कई अकाली दल वर्करों के साथ मुलाकात और बैठकें की। इसी के चलते शिरोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल प्रीतनगर वार्ड नंबर 60 में पहुंचे और सबसे पहले गुरुद्वारा नामधारी बस्ती भूरे खां में नतमस्तक हुए, जहाँ पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से उन्हें सम्मानित भी किया गया। जिला अकाली दल के अध्यक्ष जत्थेदार कुलवंत सिंह मन्नन के नेतृत्व में सुखबीर बादल ने विधानसभा क्षेत्र प्रीतनगर में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। इस मौके पर सुखबीर बादल के साथ पूर्व विधायक जगबीर सिंह बराड़, पूर्व पार्षद परमजीत सिंह रेरू, चंदन गरेवाल, सतेंद्र सिंह पीता, रंजीत सिंह राणा, बलविंदर कुमार, अजय यादव, सुरेंद्र सिंह, नारायण सिंह, जोगिंदर पाल सहित अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब, प्रधान श्रोमणी अकाली दल, सबका डिप्टी CM पंजाब, साढ़े गृह विखे आए सी, बहुत ही उत्साह से महला वासियों, क्योंकि यह पंथक इलाका है जी साडा सारा। हर वार जिनी वारी भी इतने वोटा खड़दी, चाहे कोई MLA है, कोई MP खड़ता, कोई कौंसलर की इलैक्शन होंगी है, ये साढ़े बूथ जित के जाते हैं जी। अज उन्होंने भी अखी देख लिया कि सारा मुहल्ला बाहर सीगा जी उन्होंने देखने लिए, क्योंकि वो सूझवान लीडर ने। तो पंजाब दे विच CM साहब प्रकाश सिंह बादल जी, तो डिप्टी CM सरदार सुखबीर सिंह बादल जी, दो ही लीडर आए हैं जिन्होंने पंजाब की नुहार बदल के रखती है। साढ़े जलंधर से देख लो तुम, अंडरब्रिज 46 करोड़ की लागत के नाल वह बनिया जी। पंजाब के कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की गाड़ियों की स्क्रैप पॉलिसी हर किसी पर लागू नहीं होगी। अगर पंजाब में कोई घरेलू वाहन को 20 साल भी चलाना चाहता है तो वह चला सकता है, फिटनेस के हिसाब से उसकी पॉलिसी होती रहेगी। ये पॉलिसी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो समय से पहले स्क्रैप पॉलिसी का लाभ लेना चाहते हैं, जिससे उन्हें नई गाड़ी लेने में फायदा होगा। गौरतलब रहे कि मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर संगरूर प्रशासन के साथ विकास कार्यों के चल रहे कामों को लेकर मीटिंग करने के लिए यहां पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि पंजाब में आम आदमी क्लिनिक अच्छे चल रहे हैं और आने वाले दिनों में और नए आम आदमी क्लिनिक पंजाब के लोगों के लिए खोले जाएंगे, ताकि हमारा पंजाब स्वस्थ और खुशहाल रहे। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। ਕਈ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਉਹ ਸਕਰੈਪ ਪੋਲਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਹ ਕੰਪਲਸਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਕਰੈਪ ਪੋਲਸੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਦਾ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕਰੈਪ ਪੋਲਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਕਰੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 15% ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ 'ਤੇ ਲੈਸ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰੇਲੂ ਵਾਹਨ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕਰੈਪ ਪੋਲਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 25% ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਆ ਨਵਾਂ ਵਹੀਕਲ ਲੈਣ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੋਲਸੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਵਾਹਨ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਪਾਸਿੰਗ ਬਕਾਇਦਾ RTA ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਆ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ।
लुधियाना के जगराऊं में गत दिनों पुलिस की ओर से पीछा कर काबू किए गए तस्कर को जगराऊं की स्थानीय अदालत में पेश कर उसका 2 दिन का रिमांड हासिल किया गया है, जिसके बाद आरोपी को अब दोबारा शुक्रवार को अदालत में पेश किया जाएगा। इस दौरान जगराऊं की सिविल जज जगमिंदर कौर की अदालत में आरोपी को पुलिस सुरक्षा के बीच पेश किया गया। पुलिस को आरोपी से और भी कई अहम खुलासे होने की उम्मीद है। उक्त जानकारी DSP देहात सतविंदर सिंह ने पत्रकारों को दी। उन्होंने अज जी कोर्ट के मानजोग अदालत पेश किया, अदालत में सानू 2 दिन का रिमांड मिलया, तो हम 2 दिन फिर पुलिस कस्टडी जरूर वो पूछगिछ होगी, जी कामयाबी अगे कोई होर रिकवरी होंगी वो थोड़े ध्यान लिया देंगे। तो जी गड्डी से उन्हें बारे पता लगे जी कि गड्डी से कि नाम से जी? गड्डी जी एक गुलशन नाँ की लेडी हैगी 45 साल की, वह हसबेंड भी जेल के लाली शहर ना वह भी जेल चा, यदि गुलशन की सैकेंड मैरिज आ, ये कल रेड करवाई सी बेसिकली फरार आए तो नहीं मिली है कि दाखे दे पिके ने ते इदी भी जल्दी रेस्ट होंदी आ सा। मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान द्वारा पंजाब को नशा मुक्त बनाकर रंगला पंजाब बनाने की चलाई जा रही मुहिम में अपना अनोखा योगदान देते हुए डिप्टी कमिश्नर संगरूर जतेंद्र जोरवाल और SSP संगरूर सुरेंद्र लांबा ने ऐलान किया कि पहले पड़ाव में जिला संगरूर में 100 नशा पीड़ितों की पहचान कर नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्र घापदा में इलाज करवाकर रोग मुक्त करने के पश्चात रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। सुनाम शहर की बस्ती में नशे के कोहड़ का पूर्ण सफाया करने का आह्वान देने पहुंचे डिप्टी कमिश्नर और SSP ने संयुक्त तौर पर कहा कि नशे के पूर्ण खात्मे के लिए लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है, क्योंकि यह एक बड़ी सामाजिक बुराई है जिसका खात्मा लोगों के सहयोग के बिना संभव नहीं है। तो वहीं उन्होंने कहा कि नशे का सेवन करने वाले और नशा तस्करी करने वालों की जानकारी देने वालों की पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी जाती है। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। पंजाब सरकार वालों जड़ी मुहिम चलाई गई है नशिया के विरुद्ध, ये बाबत मुख्यमंत्री साहब जी वालों जोड़े है आदेश ने, असी जोड़े है वक् थावान इस तरह की जी है गल् कर रहे हैं। डिवलपमेंटल वर्क्स का भी असी पिंड जाके सरकार थोड़े द्वार की मुहिम के भी रिव्यू कर रहे हैं, तो नशे की भी गल असी उत्थे करते हैं। हुण SSP साहब तो मैं जोड़ा है इस तरह का प्लैन असी बनाया है कि आप जाके जिहड़े इस तरह के बस्तियां हैगियां पिंड हैगे आ उत्थे जाके गल करिए, लोगों के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करिए, लोगों को यह भी दसीए कि जिहड़े रिहैबिलिटेशन सेंटर उन्होंने जिहड़ी हैगी सुविधावां भी दित्तियां जा रही हैगियां, किस तरह की सुविधावां हैगियां, सवेर तो शाम तक की एक्टिविटीज़ उत्थे होंदियां हैगियां, इस तो अलावा की स्किल ट्रेनिंग्स असी जिहड़ा हैगा जिला प्रशासन वल्लों उत्थे दित्तियां जा रही हैगियां, जिस करके वो ट्रेन होके जिहड़े उन्होंने एम्प्लॉयमेंट है वो मिलन, जिस करके वो ते उन्हां दा परिवार नशे दे इस जिहड़े चक्कर व्यू है उस तो बाहर निकल। नशे दे खिलाफ जिहड़ी लड़ाई हैगी पुलिस वल्लों लगातार लड़ी जा रही हैगी, काफ़ी सख्ती नाल कार्रवाई हो रही हैगी, लेकिन असी हुण इहनू अगे बढ़ाते हुए जिला प्रशासन दे नाल DC साहब दे नाल मिल के ते एक इंटीग्रेटेड फाइट पंजाब सरकार की जी है बना के चल रहे हैं, तो इस दे नाल नाल असी आज जो पिंडा दे विच लोकां दे विच जा रहे हैं उन्हों लोगों नू भी जिहड़ा हैगा साडी टीम का मैंबर बनाते हुए एक कट्ठी लड़ाई आपां ड्रग्स के खिलाफ इनू बिल्कुल जड़ों खत्म करन वास्ते आपां शुरू की हैगी, तो इहदे वास्ते जिहड़ा हैगा लोगों का बहुत सपोर्ट सानू मिल रहा हैगा। जिहड़े किसी नू भी कोई भी वेचदा हैगा उन्हों बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा, सख्त तो सख्त कार्रवाई भी होगी, नाल उसकी प्रॉपर्टी भी जड़ी हैगी वो भी कानून अनुसार जब्त की जाएगी। जंडियाला गुरु के प्रसिद्ध कवि दविंदर सिंह भोला के निवास स्थान पर प्रसिद्ध लेखक वजीर सिंह रंधावा विनीपेग कनाडा का नावल दूध की लाज लेखक वजीर सिंह रंधावा ने कवि दविंदर सिंह भोला और पत्रकार भाईचारे को भेंट किया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए लेखक वजीर सिंह रंधावा ने बताया कि उनकी पैतृक भूमि अमृतसर है और अब वे कनाडा के विनीपेग शहर में रह रहे हैं जहां पर उन्होंने यह नावल लिखा था। ये एक साधारण परिवार की कहानी है जिसे 1947 के बंटवारे के दौरान कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा उसके बारे में है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पंजाबी माँ बोली और अपने सभ्याचार को कायम रखना चाहिए। इस मौके पर कवि दविंदर सिंह भोला ने कहा कि ये हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात है कि कनाडा में रहकर भी वे हमारी माँ बोली पंजाबी को प्यार करते हैं और वे अपना नावल उन्हें भेंट करने के लिए यहाँ आए हैं। इस मौके पर प्रेस वेलफेयर क्लब के प्रधान परमिंदर सिंह जोसन, उप प्रधान RP शर्मा, कोषाध्यक्ष जसपाल शर्मा, दयाल अरोड़ा, अश्विनी शर्मा को भी यह नावल भेंट किया गया।
जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। मैनू जो खुशी हुई मैं बयान तो बाहर की गल है, ये मेरे वीर जी भाजी वजीर सिंह रंधावा साहब जी मैनू अपनी एक किताब दुध की लाज ये भेटा करने वास्ते उचेचे तौर पर अज मेरे को आए। मेरी खुशी का कोई ठिकाणा नहीं, मैं बयान नहीं कर सकता जी। ये बाहर रह के भी पंजाबी मां बोली नूं प्यार करदे? ये बहुत ज़्यादा मां बोली नूं प्यार करदे और इन्होंने उतों के अंग्रेज एम पी और गोरे जां उन्हां दे उस इन्हां दे हलके दा कौंसल नूं सारा समझा के साडे इतिहास बारे उत्थे सरकारी खर्चे ते भाई कन्हैया जी लाइब्रेरी की स्थापना करवाई और भाई कन्हैया जी शैल्टर जो कि सारे विनीपैग दे विच एक नमूना शैल्टर। मैं पहला उत्थे एक जिथे मेरे बच्चे रहिंदे मैं मैपल विखे जांदा सी जो कि मैनूं इन्ना अच्छा नहीं लगा, पर इन्हां दे शैल्टर मैं उत्थे जा के वेख्या जो वातावरण रोज़ हिल एरिया करके उस एरिए दा नाम आ, पर बहुत ही वधिया अनुशासन पसंद लोग और बड़े पढ़े लिखे बुद्धिजीवी पंजाबी जिहड़े उन्हां नाल मैनूं मिलन दा मौका मिलिया। नावल दुध दी लाज शुरू कीता सी जो इत्थे आ के मुकम्मल होया। इस नावल विच सधारण परिवार की कहानी है जो सधारण बोली सधारण ढंग नाल लिखी जिहड़े 1947 तो लैके जो भी वाकया सधारण परिवार नाल वंड ते दुखड़े अते फिर उन्हां नूं स्ताव धोण वास्ते जो उन्हां नूं जद्दोजहद करनी पई जां जो उन्हां नूं समें दीआं वधीकियां दा सामना करना पिया जिवें भी उन्हां दे परिवार विचरे, उह इह परिवार एक परिवार पंजाब दी जे मैं कहां तां अत कथनी नहीं होएगी कि इह समुचे परिवार एक परिवार समुचे पंजाब दी नुमाइंदगी करता है। पंजाब के स्कूलों में शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए राज्य सरकार की ओर से कई प्रयास किए जा रहे हैं और सरकारी स्कूलों में बच्चों को बढ़िया शिक्षा मिल सके उसके लिए अध्यापकों को सिंगापुर ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है। अगर बात की जाए जिला पठानकोट की तो पठानकोट के सीमावर्ती क्षेत्र नरोट जैमल सिंह ठूठोवाल खड़का में बच्चों में अध्यापकों का खौफ देखने को मिल रहा है। उसका कारण है कि कुछ विद्यार्थियों की गलती की सजा छठी कक्षा से लेकर दसवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को भुगतनी पड़ रही है और सजा भी ऐसी है कि जिस बारे जानकारी मिलने पर पीड़ित बच्चों के माता पिता से भी नहीं रहा गया और उन्होंने स्कूल में जाकर अध्यापकों के प्रति अपना विरोध दर्ज कराया और संबंधित अधिकारी से कार्यवाही की मांग की। वहीं जब इस संबंध में शिक्षा अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मामला उनके ध्यान में है जिसकी जाँच करवाई जा रही है और जांच में जो भी सामने आएगा उसके हिसाब से कार्यवाही की जाएगी। पठानकोट से हलचल के लिए जतिन शर्मा की रिपोर्ट। केड़ी क्लास च पढ़दे हो? की गल कल किसी ने बोर्ड तोड़ दिया जी, बाथरूम दा वे सारे नु उठे मुर्गा बना के ते चेयर बना के मारया जी। विजय सर ने बोर्ड किसी ने तोड़ दिया जी, पता नहीं किन्ने तोड़या ते कन्न फड़ाइए मास्टर ने मारिया। दूआ है कि मांग यह की जाती है कि मास्टर गणेश ते मास्टर एक विदेश है, इन्हें दोनों मारिया। कोई बच्चे ने अपना एक कोई बिजली का बोर्ड तोड़ता, इन्हां टीचरां ने की किया कि पूरे जिन्हें भी स्कूल के छेवीं तो लैके दसवीं तक बच्चे मुंडे पढ़ते हैं उन्होंने इन्ना कि कुटिया, मुर्गे बना के कुटिया और बहुत ज़्यादा परेशान किया इन्होंने। की नाम टीचर का बेटा? कोई विदेश है टीचर, विदेश विदेश टीचर है कोई, उसने तो बच्चों एक घंटा मुर्गा बना के रखिया प्लस
चेयरस चेयर टाइप के खड़े एक घंटा खड़े करके रखिया प्लस उसके बाद चो जल वह मन नहीं भरया फिर उन्होंने मुर्गे बना के फिर उन्होंने डंडे मारे है। मैं यही पूछना चाहना कि तुम बच्चों इन्ना क्यों किया और उसके बावजूद मारन के बावजूद फिर 10-10 रुपया जुर्माना भी बच्चों को वसूल कर धमकी दी है जी। मैनू फोन एक तो फोन आए है तो मेरा कंटैक्ट नहीं हो पा रहा इंचार्ज नाल तो साढ़े डिप्टी डीओ भी उत्थे गए सी उन्हां नाल भी नहीं है तो जिहड़ा ये मामला है कि भी नहीं बच्चों सज़ा दी गई है। देखो सरकार वालों तो मनाई है कि किसी बच्चे को सज़ा नहीं देनी पर यह जे चीज़ जी है ये मेरे ध्यान च आ गया इहदा मैं सारा रिपोर्ट जी है इंचार्ज को भी तो अपने डिप्टी डीओ को भी जोड़े है और अपने सारी रिपोर्ट लवांगा उस तो बाद जो भी चीज़ होएगी जो कोई कसूर होएगा तो उन्हें जी नियमों के अनुसार जो कार्रवाई की जाए। जिला फाजिलका के अधीन आते क्षेत्र अबोहर में अतिक्रमण हटाओ मुहिम का आगाज किया गया जिसके चलते अबोहर नगर निगम के कॉलेज रोड पर यह अभियान चलाया। इस दौरान नगर निगम अधिकारियों ने यातायात पुलिस के साथ नाजायज कब्जों को हटाया और दुकानदारों को फिर से नाजायज कब्जे ना करने के लिए चेतावनी दी। हनुमानगढ़ रोड की जो है बालाजी धाम बहुत ज्यादा शिकायत और पूरे फुटपाथ कवर किया खाली करवाना कब्जा तो फुटपाथ पर कब्जा तो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त किया जाऊगा बिल्कुल क्लीयर होना चाहिए फुटपाथ। अपील है मेरे वालों पूरा हरियाणा वासियों भी अपने तौर पर क्लीयर कर दे वधिया गल है। मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान की योग्य अगुवाई वाली पंजाब सरकार पंजाबी भाषा को प्रफुल्लित करने और बनता मान सत्कार देने के लिए जमीनी स्तर पर विशेष प्रयास कर रही है। इसी के तहत जिला भाषा विभाग की ओर से जिला प्रशासन के सहयोग से मैं पंजाबी बोली पंजाबी नाम पर 21 फरवरी तक चलाई जा रही मुहिम युद्ध स्तर पर जारी है। इस मौके पर जिला भाषा अधिकारी कीर्ति किरपाल ने बताया कि बठिंडा शहर के विद्यार्थी की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई। उन्होंने बताया कि 21 दिवसीय इस मुहिम में जिलावासियों द्वारा भाग लेने से जोश बढ़ता जा रहा है जिसके लिए वह तहे दिल से उनके आभारी हैं। ये रैली परसराम नगर के बाजारों से होती हुई वापस स्कूल में आकर संपन्न हुई। इस दौरान रास्ते में विद्यार्थियों की ओर से दुकानदारों एवं लोगों को माँ बोली की महत्ता के बारे में जागरूक भी किया गया। मैं जितेंद्र सिंह भल्ला जी इंप्रूवमेंट ट्रस्ट बठिंडा दा चेयरमैन हां जी। मेरे नाल साढ़े कीर्ति कृपाल जी जो कि साढ़े जिला भाषा अफसर ने साढ़े इतों आरिया स्कूल के प्रिंसीपल मैडम सुषमा मेहता जी उगे लेख जसपाल जस्सी जी नरपिंदर ढिल्लों जी सारे साथी इतने आए हैं। कीर्ति कृपाल जी ने बहुत वधिया मुहिम शुरू की है 21 रोजा मुहिम है जी मैं पंजाबी बोली पंजाबी उस दे तहत ही यह रैली अज सारे शहर के कढ़ी जानी है। इन्होंने दसिया कि हर रोज़ जिले के तकरीबन 10,000 बच्चे ये रैली कढ़ते हैं पंजाबी मां बोली के नाल जुड़े साड़ी जड़ां ने अज साडे बच्चे साड़ी नौजवान पीढ़ी पंजाबी बोली टुटती जा रही है साहित दे नाल टुटती जा रही है। सो इन्होंने बहुत वड्डा एक उद्यम किया उपराला किया कि साडे समाज के लोगों को पंजाबी मां बोली जुड़ के रहन रहीए साहित पढ़िए साडे बच्चों पंजाबी बोली दे नाल जुड़िए। ये भावें एक हिंदी स्कूल है पर इत्थे मैडम ने दस्या कि पहली जमात तो इत्थे पंजाबी भाषा जिहड़ी है वो पढ़ाई जाती है ये भी साढ़े लिए बहुत माण वाली गल है। सर मैं कहना चाहनी कि पंजाबी साड़ी माँ बोली है असीं रैली इस करके कढ़ रहे हैं ताकि साड़ी माँ बोली नूं उत्ते चढ़ाया जाए तो जिहड़े दुकानां दे उत्ते पोस्टर लगे गए है उन्हां दे उत्ते इंग्लिश होर भाषावां नूं उच्चा दिखाया गया तो असीं चाहुंदे हां कि साड़ी माँ बोली सब तो उत्ते रहे तो साड़ी माँ बोली नूं उपर दा नाम दिता जाए तो बोर्ड के उत्ते सब तो पहला साड़ी माँ बोली लिखी जाए तो उस तो बाद होर भाषावां लिखिया जाए। महिला शक्ति को प्रोत्साहित करने के लिए नाभा के हीरा महल में अलग अलग स्कूलों की लड़कियों के लिए विशेष सेमिनार का आयोजन किया गया। इस समागम में नाभा क्षेत्र से विधायक गुरुदेव सिंह देवमा ने विशेष तौर पर शिरकत की और अलग अलग क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वाली लड़कियों को विशेष तौर पर सम्मानित भी किया। पंजाब में 700 पूर्व सरपंचों द्वारा 300 करोड़ के घोटाले के बारे में विधायक देवमा ने कहा कि चाहे पूर्व सरपंच हो या फिर पूर्व मंत्री उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि जो करप्शन करते हैं वह पंजाब के नाम पर कलंक है।
नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। हीरा महल दे विच महाराजा प्रताप सिंह ट्रस्ट वालों और साढ़े इतों के हुण मौजूदा महाराणी प्रीति सिंह जी वालों बहुत वड्डा एक प्रोग्राम जिहड़ा जी वूमेन इनपावरमेंट के उपर करवाया जा रहा, जिहदे विच बच्चियां तकरीबन 300-350 बच्चियां जिहड़ियां ने पार्टिसिपेट कर रही ने और दस्या जा रहा उन्होंने कि बच्चियां एजुकेशन दे विच किवें लियाकत पा के जिहड़ा स्वै रोज़गार एक सिस्टम है अपने पैरों पर खड़े होने वाला उहदे विच किवें कामयाब हो सकदियां ने और जिहड़ियां साडियां बच्चियां ने ये बहुत वड्डी ताकत ने और असीं अगर इस ताकत नूं प्रॉपर तरीके नाल अगर अच्छी दिशा वल लैके जाइए तो ये साडियां बच्चियां साडे आउण वाले पंजाब दा भविख ने और देश दा भविख ने। सो ये बहुत वड्डा उपराला जिहड़ा जी ये नाभा शहर दे विच हीरा महल दे विच प्रोग्राम जिहड़ा लिखिया गया और इस प्रोग्राम दे विच साडे इस इलाके दे जिहड़ियां साडियां भैणां जिन्हां ने नाम कमाया अलग अलग खेत्रां दे विच उह वी इत्थे आ के उन्होंने लैक्चर दिते ने, इत्थे डैमो उन्होंने करके दिखाए ने कि किवें तुसीं जिहड़ा वातावरण ठीक कर सकदे हो, किवें तुसीं नौकरियां दे विच अपने एक छोटा छोटा जिहड़ा कम है जिहनूं आपां इगनोर करदे आ उहनूं अडोप्ट करके आपां किवें उस कम दे विच आपां अपने पैरां ते खड़े हो सकदे आ। लंबाला कैंट तों आई हां मैं, उरे ग्रीन सुनेहा लैके आई हाँ और इस पैलेस नूं एक ग्रीन पैलेस बनाउण जा रहे हैं एंड प्रोबेबली फर्स्ट इन द कंट्री होगा जिहड़ा कि इहनूं इस पैलेस नूं टोटली ग्रीन इनिशिएटिव्स दे अंडर असीं लै रहे हैं और अज असीं बच्चियां नूं जिहड़ी विमेन एम्पावरमेंट की गल कर रहे हैं उहदे च असीं बच्चियां नूं इस सुनेहा दित्ता है कि तुसीं अपने पैरों पर आप किवें खड़े होना है और ग्रीन इनिशिएटिव्स नूं अडोप्ट करके किवें बच्चियां यंग ऑनटरप्रन्योर्स बन सकदे ने और अपनी वो वेट नहीं करनगियां कि सरकार नौकरी दूगी, बच्चियां अपने अंदर स्किल डिवेलपमेंट करके आप नौकरियां जनरेट करनगियां। 2018 तो मैं इतिहास के उपर काम कर रहा, बड़िया सारिया किताबा आ चुकिया ने, यह एक नवी किताब जी हीरा महल के इंस्पिरेशनल लाइफ ऑफ ग्रेट सिख वूमेन जी रिलीज़ हुई, ये उपर बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लग्या लिखण के, पर जो पढ़ रहे थे तो यह बड़ा महसूस होया कि सानू बड़ा माण है उस पंजाब की धरती पर आ जिथे कभी, क्योंकि पहला जेकर वेखिए हरेक हकूमत दे विच औरतां नू जिहड़ा सिर्फ घर दी रसोई तक अते अपने पैर दी जुत्ती तक रख्या जांदा सी, ते लेकिन पंजाबीयत ने प्रमाण दिता कि औरतां जिहड़ियां ने वो साडे सिर दा ताज ने। गुरु नानक पातशाह जी ने सब तो पहली बार जिहड़ी आवाज़ बुलंद की, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मै राजान, कि जिहड़े राजे जमदी है जिहड़े वड्डे वड्डे महापुरख जमदी है असीं उहनां नू मंदा क्यों आखणा है। माँ बंगला मुखी धाम नजदीक लंबा पिंड चौक हुशियारपुर रोड पर स्थित गुलमोहर सिटी में धाम के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज की अध्यक्षता में साप्ताहिक माँ बंगला मुखी हवन यज्ञ करवाया गया, जिसमें सबसे पहले ब्राह्मणों ने नवग्रह पंचोपचार षोडशोपचार गौरी गणेश कुंभ पूजन माँ बंगला मुखी जी के निमित्त माला जाप कर मुख्य यजमान बलजीत कुमार से सपरिवार पूजा अर्चना उपरांत हवन यज्ञ में आहूतियां डलवाई। वहीं इस यज्ञ में उपस्थित माँ भक्तों को आहूतियां डलवाने के बाद नवजीत भारद्वाज ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि जिस प्रकार कोयले को साफ करने और चमकाने में 100 मन साबुन की बर्बादी है, उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति को समझाना अपने ज्ञान की गठरी को समाप्त करने के समान है और मूर्ख व्यक्ति अपने आप को परम ज्ञानी समझता है। सच्चा व्यक्ति वही है जो सेवा समर्पण और तपस्या में अपने आप को पका चुका हो। तो वहीं नवजीत भारद्वाज ने कहा कि महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर 18 फरवरी दिन शनिवार को मंदिर परिसर में काल सर्प योग का रुद्राभिषेक किया जाएगा। वहीं इस अवसर पर श्रीकंठ जज हैरी शंकर शर्मा, विक्रम भसीन, संजीव सोंधी, रविंद्र बांसल, प्रिंस कौंडल, अनिल चड्डा, रोहित भाटिया, गौरव कोहली, अमरेंद्र कुमार शर्मा, राजेंद्र कतियाल, राकेश प्रभाकर, बलवंत बाला, मुनीश शर्मा, सुरेंद्र शर्मा, रोहित बहल, एडवोकेट राजकुमार, मोहित बहल, अशोक शर्मा, विक्रांत शर्मा, गोपाल मालपानी, राघव चड्डा, समीर कपूर, अश्विनी शर्मा, संजीव सावरिया, यज्ञदत्त, रॉकी पंकज, करण वर्मा, राजेश महाजन, संजीव शर्मा, मानव शर्मा, राजीव, दिशांत शर्मा, अशोक शर्मा, राकेश ठाकुर, बलदेव सिंह साबी, अभिलक्ष्य चुग, लक्की बाबा खन्ना, सुनील जग्गी, प्रिंस प्रवीण सहित भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं आरती उपरांत प्रसाद रूपी लंगर भंडारे का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। व्यक्ति को समझाना, अपनी ज्ञान की गठरी को समाप्त करना है।
बेवकूफ बंदे नूं कोई चीज समझाई समझ लो कि तुसीं अपना जिहड़ी कमाई कीती है या तुहाडे ते कोई प्रभु की कृपा होई है उहनूं खत्म करना है ते बेवकूफ बंदे दे नाल फस जाओ या उहनूं समझाण लग जिदा एक कोले का पीस ले लीए ते भावे 100 किलो साबण ले लीए उहनूं धोई जाओ उहने चिट्टा होना ही नहीं उहने काले का काला ही रहना ऐसे किसी बेवकूफ मूर्ख व्यक्ति नूं समझाना अपने ज्ञान की गठबी नूं समाप्त करने के समान है क्योंकि बेवकूफ बंदे ने देखा कख भी नहीं होंदा ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਐਮ ਦਾ ਬੈਸਟ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਸਿੱਧੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਥੋਥਾ ਚੰਨਾ ਬਾਜੇ अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन की ओर से मां बंगला मुखी जी के साप्ताहिक महायज्ञ का आयोजन प्राचीन शिव मंदिर दमोरिया पुल में अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रसिद्ध मां बंगला मुखी जी के उपासक श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी की अध्यक्षता में किया गया जिसमें संगठन के पुरोहित पंडित चक्र प्रसाद जोशी ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर यज्ञ में उपस्थित माँ भक्तों से महायज्ञ में आहूतियां डलवाई। इस महायज्ञ में अखिल भारतीय दुर्गा सैनी संगठन के वैभव शर्मा, अमित गुप्ता, पीयूष जैन, मोहित जैन, डॉक्टर मुकेश कुमार सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट। ओम क्रां क्रीं ब्रूं सब होमाय नमः स्वाहा। ओम क्रां क्रीं ब्रूं सब बुद्धाय नमः स्वाहा। ओम क्रां क्रीं ब्रूं सब गुरुभ्यो नमः स्वाहा। ओम क्रां क्रीं ब्रूं सब शुक्राय नमः स्वाहा। ओम क्रां क्रीं ब्रूं सब शंसनेश्वराय नमः स्वाहा। ओम क्रां क्रीं ब्रूं सब रावय नमः स्वाहा। ओम श्रं श्रीं श्रूं सब केतवे नमः स्वाहा। माँ बंगला मुखी के इस पवित्र प्रांगण में आए हुए सभी श्रद्धालुओं का अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। माँ भगवती के इस दरबार में हमेशा की तरह हम आपसी भाईचारा, विश्व के कल्याण एवं सनातन धर्म और हिंदू धर्म में जो कुरीतियाँ हैं उनको दूर करने के लिए और अपने धर्म के प्रचार के लिए हम विशेष रूप में माँ भगवती के आशीर्वाद के साथ माँ भगवती से यही हमारी इच्छा होती है कि हे माँ भगवती, यहाँ पर जो भी व्यक्ति आए उसकी संपूर्ण इच्छाएँ पूरी हों। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। पंचकुला में हुए ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को पुलिस ने सुलझाया, दो आरोपियों को किया गिरफ्तार।
होशियारपुर पुलिस ने नशे को खत्म करने के लिए भगत नगर के एक घर में की छापामारी। चंडीगढ़ के सेक्टर 29 में एक युवक पर दूसरे युवक ने तेजधार हथियार से किया हमला, पुलिस जांच में जुटी। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।